हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रेम टॉक्स। दोस्तों अगर आप भी मोटिवेशन से भरपूर मूवीज खोज रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आज मैं आपको टॉप 5 मोटिवेशन से भरपूर मूवीज बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकती हैं। मैं आपको नंबर 5 टू नंबर 1 के सिनेरियो में बताऊंगा, क्योंकि टॉप 1 के लिए थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए बिड़ू। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो मूवी है वो है लक्ष्य मूवी। ये फिल्म 18 जून 2004 को रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे फरहान अख्तर, जिन्होंने अपनी अद्भुत डायरेक्शन की प्रतिभा से इस फिल्म को दर्शकों के दिल में अभी तक जिंदा रखा है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ऋतिक रोशन, जिन्होंने करण सेरगिल का किरदार निभाया है जो की एक रहीस बाप की बिगड़ी औला के रूप में दिखाया गया है। प्रीति जिंटा, जिन्होंने रोमिला दत्ता का किरदार निभाया है जो की एक मशहूर न्यूज रिपोर्टर होती है, और करण सेरगिल की एक लवर के रूप में भी इनको दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कर्नल सुनील डामले का किरदार निभाया है और बहुत खूबी से भी निभाया है, दर्शकों को इनका यह अभिनय बहुत पसंद आया है। एवं और भी बड़ी हस्तियां इस फिल्म में शामिल है, जिसे जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बात की जाए मूवी की स्क्रिप्ट की तो बहुत जानदार स्क्रिप्ट है दोस्तों, जिसमें एक लड़का करण सेरगिल है जो कि एक रईस बाप की बिगड़ेल औलाद है, वो अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होता है, बल्कि लाइफ में कोई भी गोल ना होने के कारण हमेशा कंफ्यूज्ड भी रहता है, जिससे उसकी परिवार वाले और उसकी लवर जो कि प्रीति जिंटा है बहुत परेशान दिखाई गई हैं इस फिल्म में। और बाद में उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है। फिर जो लक्ष्य वो अपनी लाइफ में बनाता है ना दोस्तों, जिसको देख एक हारे हुए व्यक्ति में भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आग लग सकती है। बात करें रेटिंग की तो इसे 7.9 की रेटिंग IMDb पर मिली हुई है दोस्तों। बात करें अवार्ड्स की तो इस मूवी को कई बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी 2005 में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी 2005 में यह भी अवार्ड प्राप्त हुआ था। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी 2005 में यह अवार्ड भी इस फिल्म को प्राप्त हो चुका है। नंबर 4 पर जो मूवी है दोस्तों वो है जर्सी मूवी। बहुत शानदार मूवी है दोस्तों, ये एक साउथ इंडियन मूवी है जो आप ऑनलाइन हिंदी भाषा में भी देख सकते हैं। ये मूवी 19 अप्रैल 2019 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर है गौतम तिंदनपुरी। डायरेक्टर साहब ने कितना खूबसूरत डायरेक्शन किया है वो आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये मूवी आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत मूवी है दोस्तों। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नवीन बाबू उर्फ नैनी, जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया है जो कि एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर होते हैं। श्रद्धा श्रीनाथ, जिन्होंने सारा अर्जुन का किरदार निभाया है जो कि अर्जुन की पत्नी होती है, इनका शानदार अभिनय आप मूवी में देख सकते हैं। हमारे कटप्पा यानी सत्यराज जी, जिन्होंने मूर्ति का किरदार निभाया है जो कि एक क्रिकेट कोच होते हैं। इस मूवी में और भी बड़े स्टार्स हैं जैसे सिसिर शर्मा, सनू सहा, ब्रह्मा जी, राव रमेश, संपत राज और अन्य प्रतिभाशाली कलाकार इस मूवी में शामिल हैं। बात की जाए मूवी स्क्रिप्ट की तो बहुत जानदार स्क्रिप्ट है दोस्तों, जिसमें दिखाया गया है कि अर्जुन जो मुख्य किरदार है यंग एज से ही क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट होता है, और इसी बीच अर्जुन को सारा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और सारा के घर वाले अर्जुन और सारा की शादी के लिए मना कर देते हैं। तो फिर बाद में दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं और अर्जुन को क्रिकेट खेलना छोड़ना पड़ता है किसी कारण की वजह से। दोस्तों असली ट्विस्ट जब आता है जब 40 वर्ष के हो चुके अर्जुन के पास कोई भी नौकरी नहीं होती है, दूसरी तरफ उसकी बीबी ही अर्जुन और अपने बच्चे को पालती है छोटी सी जॉब करके। फिर बाद में अपने घर की परेशानियों को देखते हुए 40 वर्ष की उम्र में अर्जुन फिर से क्रिकेट खेलकर पूरे देश को चौंका देता है, जबकि उसे क्रिकेट खेले 10 साल बीत चुके होते हैं। और दोस्तों 40 साल की उम्र में जो अर्जुन क्रिकेट खेल कर दिखाता है उसके लिए सैल्यूट है बॉस, क्या मोटिवेट करता है बंदा 40 साल की उम्र में, भाई बहुत बड़ी बात होती है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये मूवी आपको जरूर मोटिवेट करेगी। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग की तो IMDb पर इसे 8.6 की रेटिंग प्राप्त हो चुकी है। अब बारी आती है नंबर 3 की, और नंबर 3 पर जो मूवी है दोस्तों वो है मांझी द माउंटेन मैन। ये मूवी 21 अगस्त 2015 को रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर है केतन मेहता, जिनकी डायरेक्शन की प्रतिभा का अंदाजा आप इस मूवी के सुपर डुपर हिट होने से ही लगा सकते हैं। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने इस मूवी में दशरथ मांझी का मुख्य किरदार निभाया है, और कितनी खूबी से निभाया है वो आप जब इस मूवी को देखेंगे ना उसके बाद तो बस आप इनके फैन ही होने वाले हैं। राधिका आप्टे, जिन्होंने फगुनिया का मुख्य किरदार निभाया है अपने शानदार अभिनय के साथ। तिगमंशु दुलिया, ये गांव के मुखिया के किरदार में दिखाए गए हैं। और भी अन्य कलाकार हैं जिन्होंने बहुत अद्भुत अभिनय दिखाया है इस मूवी में, जिनको देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों। बात की जाए फिल्म स्क्रिप्ट की तो ये बिहार के छोटे से गांव में दशरथ मांझी की एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। मांझी जो अपनी पत्नी फगुनिया को बहुत चाहता था और फगुनिया को पानी भरने के लिए अक्सर गांव के बीच में चट्टान जैसे पहाड़ पर घूम के जाना पड़ता था, एक दिन जब फगुनिया प्रेग्नेंट होते हुए भी पानी भरने के लिए उस चट्टान जैसे पहाड़ पर जाती है तो एक दिन उसका पैर उस पहाड़ से फिसल जाता है और फगुनिया पहाड़ से नीचे गिर जाती है, जिससे गिरने से उसकी मौत हो जाती है, जिससे मांझी पूरी तरह से टूट जाता है।
और फगुनिया की मौत के बाद अपनी जिंदगी का मकसद मांझी उस पहाड़ को तोड़कर एक सपाट रास्ता बनाना बना लेता है। फगुनिया के मौत के कुछ घंटों बाद ही वो अकेले ही चैनी और हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ने में लग जाता है, जिससे गांव के लोग उसे पागल तक घोषित कर देते हैं। लेकिन मांझी अकेले ही लगभग 22 वर्षों तक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने में लगा रहता है, और आखिरकार 22 वर्ष की कठोर मेहनत से वो रास्ता बनाने में सफल भी हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी सिखाती है कि इंसान जो कुछ भी सोच सकता है उसे वो हासिल कर सकता है, भले ही सामने चट्टान जैसा पहाड़ क्यों ना हो। एक सच्चा प्यार क्या होता है, मांझी उसकी मिसाल है। मूवी देखकर अधिक अच्छे से आप समझ पाएंगे तो ये मूवी जरूर देखें मेरे दोस्तों। नंबर 2 पर जो मूवी है वो है महेंद्र सिंह धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। ये मूवी ज्यादातर लोग देख चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनको जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी, और इसके डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, जिन्होंने बहुत खूबी से कहानी को दर्शाया है। सुशांत सिंह राजपूत, जो इस मूवी में मुख्य किरदार महेंद्र सिंह धोनी के रूप में नजर आए हैं, और उन्होंने सालों कठोर मेहनत करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को बहुत खूबी से कॉपी किया है, जो इस मूवी में दिख भी रहा है। इनके अभिनय की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है दोस्तों। दिशा पटानी, जिन्होंने इस मूवी में महेंद्र सिंह धोनी की एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका झा का किरदार निभाया है, जिनकी मृत्यु कार एक्सीडेंट से हो जाती है। कियारा आडवाणी, जिन्होंने इस मूवी में महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी का किरदार निभाया है, और सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। इस मूवी में एक नहीं बल्कि काफी सारे बड़े कलाकार नजर आए हैं, जैसे अनुपम खेर, भूमिका चावला, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा और अन्य स्टार्स भी इस मूवी में शामिल हैं। बात की जाए यदि गानों की, तो इस मूवी में जितने गाने हैं उन सभी गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। बात आती है मूवी की स्क्रिप्ट की, तो ये महेंद्र सिंह धोनी, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक हैं, उनके जीवन पर फिल्माई गई है। इस मूवी में बहुत खूबी से दिखाया गया है कि महेंद्र सिंह धोनी आज जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, और अगर आप दिल से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो कोई भी आपको उसे पाने से नहीं रोक सकता है। महेंद्र सिंह धोनी की मेहनत और उनके द्वारा लिए गए कई अहम डिसीजंस को लोगों ने खूब सम्मान दिया है। ये मूवी आपको सिखाती है कि सपने आखिर कैसे पूरे किए जाते हैं। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो दोस्तों आपने कुछ नहीं देखा। बात की जाए रेटिंग की, तो इसको IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। अब बात की जाए अवार्ड्स की, तो इस मूवी को कई बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। आखिरी और नंबर 1 की पोजीशन पर जो मूवी है वो है दी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो दोस्तों, ये मूवी नवंबर 2006 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर हैं गैब्रियल मकिनो। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। विल स्मिथ, जिन्होंने इस मूवी के मुख्य पात्र क्रिस्टोफर गार्डनर का किरदार निभाया है। अगर बात करें इनके अभिनय की तो जितनी तारीफ कर सकें दोस्तों उतनी कम है। थैंडी न्यूटन, जिन्होंने इस मूवी में क्रिस्टोफर गार्डनर की पत्नी लिंडा का किरदार निभाया है, और इन्होंने भी बहुत शानदार अभिनय दिखाया है दोस्तों। जेडन स्मिथ, जेडन स्मिथ ने क्रिस्टोफर गार्डनर और लिंडा के बेटे क्रिस्टोफर का किरदार निभाया है। बात की जाए अन्य कलाकारों की, तो इस मूवी में कई और ऐसे बड़े कलाकार हैं जिनके अभिनय से इस मूवी ने अपार सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, इस मूवी में एक खास बात यह है कि जेडन स्मिथ, जिन्होंने विल स्मिथ के बेटे का किरदार इस मूवी में निभाया है, वो असल जिंदगी में भी विल स्मिथ के ही बेटे हैं। बात की जाए फिल्म की स्क्रिप्ट की, तो ये फिल्म क्रिस गार्डनर, जो कि अमेरिका के मल्टी मिलेनियर और गार्डनर रिच एंड कंपनी के मालिक हैं, उनके जीवन की सच्ची कहानी पर फिल्माई गई है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं और कुछ न कर पाने के लिए सिर्फ अपने बुरे हालातों के एक्सक्यूजेस देते हैं, तो आपको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्रिस गार्डनर्स के संघर्ष इतने बड़े थे, फिर भी वो उनसे लड़े और आज वो एक सफल व्यक्ति के रूप में पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनके पास अपने छोटे से बच्चे के साथ सोने तक के लिए जगह तक नहीं थी, और कई बार तो उन्हें एक टाइम का खाना भी नसीब तक नहीं हो पाता था। तो दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, हमें उनसे लड़ना ही होगा। अगर हम उन मुसीबतों से डर के भागेंगे तो हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि जिंदगी भर भागते ही रहेंगे, कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे अपनी जिंदगी में। बात की जाए रेटिंग की, तो इसे IMDb पर 8 की रेटिंग प्राप्त हो चुकी है। अब बात आती है अवार्ड्स की, तो इस मूवी को कई बड़े बड़े अवार्ड्स प्राप्त हो चुके हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।